चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट जिले के बैयर विधानसभा अंतर्गत दमो में हुए 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता उमेद मेश्राम को जान से मारने की धमकी देने पर भगत नेताम सहित 11 लोगों के खिलाफ बिरसा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। बैयर विधानसभा सीट भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस कार्यकर्ता उमेश पिता छोटेलाल मेश्राम उम्र 29 साल कोपे भाटा निवासी ने शाले टेकरी चौकी थाना बिरसा में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 507 भादवी के तहत भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम और उनके कार्यकर्ताओं में शंभू जायसवाल, महेश रानी, मनीष अग्रवाल, गोलू यादव, ताम्रध्वज डरवाल, हिरड पंचतिलक, धनश्याम मानेश्वर, शीतल साधेश्वर, लक्ष्मण मरकाम, बिसेन ध्रुवे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शिकायत अनुसार उमेश मेश्राम की माने तो वह मतदान के दिन सुबह बूथ क्रमांक 199 साल टेकरी मतदान करके वापस लौट रहा था, तभी भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम रास्ते में मिला और बोला कि तू इस पूरे चुनाव में बहुत होशियार बन रहा है, और अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और बोला कि आज शाम को तेरा काम तमाम कर दूंगा, कफन तेरे लिए तैयार है, बोलते हुए चला गया। फिर शाम करीबन 6 बजे के आसपास उमेश मेश्राम के गांव में भगत नेताम व उनके कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उमेश मेश्राम के घर के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उमेश को धमकाने लगे, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम ने फोन करके बोला कि तेरे लिए कफन तैयार रखा हूं, जिसके बाद अब बैयर विधानसभा चुनाव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। देख रहे हैं बालाघाट खबर।